हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स के बारे में, उसके काइंड्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है ट्राइंगल क्या है। ट्राइंगल इज़ अ पॉलीगॉन ऑफ थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स एंड थ्री वर्टाइसेस। तो ट्राइंगल एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें थ्री साइड्स हैं, थ्री एंगल्स हैं और थ्री वर्टाइसेस हैं। तो यहाँ आप जो फिगर देख रहे हैं, इसमें थ्री साइड्स हैं, ए बी, बी सी और ए सी, ये थ्री साइड्स हो गई। तो थ्री साइड्स ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है। फिर थ्री एंगल्स, तो ये है एक एंगल, एंगल ए, ये है एंगल बी और एंगल सी। तो थ्री एंगल्स हो गए, थ्री साइड्स हो गई, थ्री एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। और तीसरी चीज़ है वो है वर्टाइसेस। तो तीन वर्टाइसेस होते हैं ए बी सी, इन्हें कॉर्नर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कॉर्नर्स या वर्टाइसेस, और ये तीन हो गए इसकी साइड्स, और ये एंगल, ठीक है। तो थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स और थ्री कॉर्नर्स या वर्टाइसेस। तो वर्टाइसेस एक तो हो गया ए, फिर बी और ए सी, थ्री वर्टाइसेस ए बी और सी। तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल, ठीक है। अब बात आती है इसके काइंड्स की, ठीक है। तो बात करते हैं हम काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स या टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स की। तो देर आर सिक्स टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। ये जो तीन आप देख रहे हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलिस और स्केलिन ट्राइंगल, ये साइड्स के बेसिस पर हैं। और ये जो तीन देख रहे हैं आप, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल्स के बेसिस पर है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यहाँ इसके नाम में ही छुपा है इक्वी, इक्वी का मतलब होता है इक्वल। तो तीनों साइड्स जिसकी इक्वल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसे ही आइसो का मतलब होता है टू। तो आइसोसेलिस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल जिसमें कि दो साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, टू साइड्स इक्वल है, तो आइसोसेलिस ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों की तीनों साइड्स डिफरेंट लेंथ की हैं, उसे स्केलिन ट्राइंगल कहते हैं। अब इसको देखें तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसमें तीनों ही एंगल्स एक्यूट एंगल हो, यानी कि 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो तीनों एंगल्स अगर एक्यूट हैं तो वह एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। ऑप्ट्यूस एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल ऑप्ट्यूस हो, यानी 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 डिग्री से लेस हो, वो ऑप्ट्यूस एंगल कहलाता है। और ऐसा ट्राइंगल जिसमें ऑप्ट्यूस एंगल, वो ऑप्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कहलाता है। इसे ऑब्लिक ट्राइंगल भी कहते हैं। अब बात आती है राइट एंगल ट्राइंगल की। तो जिसमें एक एंगल, यानी ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल राइट एंगल हो, यानी 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब हम इसे नीचे और अच्छी तरह से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहां आप जो ट्राइंगल देख रहे हैं इसमें तीनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। तो मान लिया कि इस साइड की लेंथ x है, तो इसकी भी x होगी और इस वाली साइड की भी लेंथ x होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसमें ए बी, जो तीन साइड्स है, ए बी वुड बी इक्वल टू बी सी, सेकेंड साइड बी सी वुड बी इक्वल टू थर्ड साइड ए सी, ठीक है। तीनों साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। इसी तरह से इसमें तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये है एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और तीनों 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, और तीनों के मेजरमेंट क्या है? 60 डिग्री होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आइसोसेलिस ट्राइंगल। तो आइसोसेलिस ट्राइंगल क्या है? आइसोसेलिस ट्राइंगल, ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलिस ट्राइंगल। तो ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल हो, उसे क्या कहते हैं? आइसोसेलिस ट्राइंगल कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है इसमें ये साइड, यानी पी क्यू साइड, इस पी आर साइड के बराबर है, ठीक है। अगर ये एक्स लेंथ की साइड है तो ये भी एक्स लेंथ की साइड होगी, तब ये ट्राइंगल क्या कहलाएगा? आइसोसेलिस ट्राइंगल कहलाएगा। तो हम यहाँ इस ट्राइंगल को देखें तो ट्राइंगल पी क्यू आर, ये क्या है? इस आइसोसेलिस ट्राइंगल जिसके अंदर पी क्यू, पी क्यू किसके बराबर है?
इस पी आर के बराबर है। पी आर यानी टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है, टू साइड्स इक्वल बताई गई है, तीसरी साइड जो है वो डिफर कर रही है। तो आइसोसेलेस की एक प्रॉपर्टी और भी है, वो ये है कि जो साइड्स इक्वल हैं उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं, ये जैसे ये दोनों इक्वल साइड्स हैं तो इस साइड का अपोजिट एंगल ये है और इस साइड का अपोजिट एंगल ये है, तो ये दोनों भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर एंगल क्यू जो है वह एंगल आर के बराबर है, ठीक है। तो टू एंगल्स भी इक्वल होते हैं इसमें, टू एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, स्केलिन ट्राइंगल। तो स्केलिन ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड स्केलिन ट्राइंगल। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों ही साइड्स डिफरेंट लेंथ की होती है उसे स्केलिन ट्राइंगल कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल एक्स वाई जेड हमें दिख रहा है, इसमें तीनों जो साइड्स हैं वो डिफरेंट लेंथ की दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर सपोज ये 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है, और ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर जो ट्राइंगल है हमारे पास इसकी तीनों ही साइड्स डिफरेंट लेंथ की है और इसीलिए ये क्या कहलाएगा, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा। तो एक्स वाई जेड ये जो ट्राइंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि तीनों ही साइड्स डिफरेंट लेंथ की है और इसलिए हम इसमें लिख सकते हैं एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई जेड एंड इट इज नॉट इक्वल टू जेड एक्स या एक्स जेड। तीनों ही साइड्स एक दूसरे से डिफर होती हैं, तो तीनों साइड्स डिफरेंट लेंथ की हैं, तीनों जो एंगल्स होते हैं वो भी डिफर करते हैं, तो एंगल एक्स वुड नॉट बी इक्वल टू एंगल वाई वुड नॉट बी इक्वल टू एंगल जेड। तो तीनों ही एंगल्स जो होंगे वो भी डिफरेंट मेजरमेंट के होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ओके, अब बात आ जाती है एंगल के बेसिस पर, ठीक है। अभी हमने जो तीन पढ़े थे वो साइड्स के बेसिस पर थे, अब आता है एंगल के बेसिस पर। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल इन विच ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल जिसमें कि तीनों एंगल्स एक्यूट हो, अब एक्यूट क्या होता है, एक्यूट एंगल जो कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो, बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो वो एक्यूट एंगल कहलाता है। तो ये एक ट्राइंगल है जिसमें सपोज ये 70 डिग्री का है, ये भी 70 डिग्री का है, ठीक है, और ये 40 डिग्री का है। तो अगर हम इसको देखें तो तीनों की तीनों जो एंगल्स हैं वो एक्यूट हैं, ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट एंगल है और ये भी एक्यूट एंगल है, तब ये क्या कहलाएगा, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब इसमें तीनों साइड्स इक्वल है, यानी कि ये है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स हमने पढ़े थे 60-60 डिग्री के होते हैं, लेकिन अगर हम इसे देखें तो ये तीनों एंगल्स 60 डिग्री के हैं, यानी 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, यानी तीनों ही एंगल एक्यूट भी हैं, ठीक है, एक्यूट एंगल। तो ये ट्राइंगल भी क्या है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इसी तरह से ये जो आप ट्राइंगल देख रहे हैं इसमें ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों ही अलग ही दिख रहा है कि ये तीनों क्या है, एक्यूट एंगल है, तो ये भी क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, जिसमें तीनों ही एंगल्स क्या हों, एक्यूट एंगल हों, वो कहलाता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज एन ऑब्ट्यूस एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो उसे कहते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो यहां पर आप जो फिगर देख रहे हैं ये बहुत बड़ा एंगल दिख रहा है, यानी ये 90 से ग्रेटर दिख रहा है, ठीक है। तो ये ऑब्ट्यूस हुआ, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल जो कि 90 डिग्री से बड़ा होता है, यानी 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है, तब ये कहलाता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो ये जो एंगल है ये 90 से ग्रेटर है, ठीक है, सपोज ये
130 डिग्री का इसके आसपास ही दिख रहा है। तो 130 डिग्री का अगर एक एंगल इसके अंदर है तब ये जो ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल ये क्या है, LMN, इसके अंदर एक एंगल, एंगल M जो है इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, इट मींस ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। और इसीलिए ये जो ट्राइंगल है वो क्या कहलाएगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहलाएगा, ठीक है। तो सिर्फ एक एंगल अगर उसमें ऑब्ट्यूज एंगल है तो वो जो ट्राइंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज अ राइट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल क्या हो, राइट एंगल हो, यानी 90 डिग्री का हो, वो कहलाता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहां जो आप फिगर देख रहे हो, ट्राइंगल पी क्यू आर देख रहे हो, ठीक है, इसके अंदर एंगल क्यू जो है, क्यू यहां पर 90 डिग्री का साइन लगा है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये राइट एंगल है। तो एक एंगल क्या है, वन एंगल क्या है, एंगल क्यू 90 डिग्री है, और एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो ये जो ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। तो ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ओके। तो सिर्फ एक ही शर्त है कि एक एंगल क्या होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स। और इससे पहले कि मैं इसे स्टार्ट करूं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपका कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि कोई सजेशन है जिससे कि मैं और बेहतर आपके लिए वीडियो बना सकूं तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए ताकि मैं और बेहतर आपके लिए वीडियो बना सकूं। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स को। तो सबसे पहला है एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टीज एक तो है इंटीरियर के बेसिस पर और एक है एक्सटीरियर के बेसिस पर। तो इंटीरियर के बेसिस पर यानी इंटीरियर एंगल, तो ये हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये कहता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, कि जो ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो तीन एंगल्स कौन से, ए बी सी, तो हम कहें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यदि हम तीनों को प्लस करें तो हमारे पास आएगा 180 डिग्री। तो इसे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इंटीरियर एंगल्स के बेसिस पर है। इसी तरह से एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इसी तरह से एक्सटीरियर के बेसिस पर। अगर हम एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, ये जो एंगल्स हैं ये तो इंटीरियर हो गए तीन, ये जो आपको बाहर की ओर दिख रहे हैं, ठीक है, हर साइड को आगे बढ़ाने पर, ठीक है, तो ये तीन क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो ये इसे हम कह सकते हैं कि ये इंटीरियर एंगल ए है, यानी ये जो है इंटीरियर एंगल ए ये है, ठीक है। तो इसका ये वाला जो है वो इंटीरियर एंगल ए है, पर ये वाला जो है वो एक्सटीरियर एंगल ए के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अब ये जो तीनों एंगल हैं ये हम लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल ए प्लस इसी तरह से ये एक्सटीरियर एंगल बी, एक्सटीरियर एंगल बी प्लस एक्सटीरियर एंगल सी, ये इस प्रॉपर्टी को बता रहा है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 360 डिग्री। तो जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उन तीनों का सम कितना होता है, 360 होता है। तो ये जो तीन एंगल्स हैं इनका सम अगर हम करते हैं तो ये होता है 360 डिग्री, ओके। तो ये हो गई हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी कि तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है और तीनों एक्सटीरियर एंगल्स का सम
360 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो एक्सटीरियर एंगल है ये अपने दो अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो ये जो एंगल है इसके अपोजिट ये दो एंगल्स आ रहे हैं, ठीक है, इन दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो क्या लिख सकते हैं हम, यहां हम लिखेंगे एंगल सी, ये एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर एंगल सी वुड बी इक्वल टू सी के अपोजिट ये दो एंगल। तो इंटीरियर एंगल ए प्लस इंटीरियर एंगल बी, ठीक है। तो ये हो गया कि जो बाहर का यानी एक्सटीरियर एंगल जो है वो अंदर के दो अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। ये हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कहलाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी है मेजरमेंट ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो, ठीक है, तो तीनों साइड्स इक्वल है जो भी लेंथ की हो तीनों इक्वल होंगी, तो इसके जो एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल्स ये तीनों ये क्या होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। तो पी क्यू आर जो है वह एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है यहां, ठीक है, तीनों साइड्स इक्वल है, तो इसके जो तीन इंटीरियर एंगल्स हैं एंगल क्यू, ठीक है, ये भी 60 डिग्री का होगा, एंगल पी ये भी 60 डिग्री और एंगल आर ये भी 60 डिग्री, यानी ऑल थ्री एंगल्स जो हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, ये प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है। अब बात आती है इसी के एक्सटीरियर की। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 120 डिग्री। तो जैसा हमने ऊपर देखा था यहां पर बाहर के एंगल की बात की गई है ना, एक्सटीरियर एंगल की, ठीक है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, यहां पर ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है यहां भी, और इसके जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं एक्सटीरियर एंगल पी और एक्सटीरियर एंगल क्यू और एक्सटीरियर एंगल आर पी क्यू आर तीनों कितने डिग्री के होते हैं 120 डिग्री के, ठीक है 120। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं वो सभी 120 डिग्री के होते हैं, ठीक है। और इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहां पर हमने अभी पढ़ा था कि जो इंटीरियर एंगल है वो 60 डिग्री के होते हैं, तो यहां हम लीनियर पेयर अगर लगाएंगे, यहां आप लीनियर पेयर लगाएंगे यानी दोनों का सम 180 होता है, तो ये अपने आप ही आ जाएगा कि 120 होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, यह है फिफ्थ प्रॉपर्टी, कहती है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल एंड वाइस वर्सा। तो ये प्रॉपर्टी में ये कहा गया है कि जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं एंड वाइस वर्सा, यानी इसको हम उल्टा करके पढ़ेंगे तो भी सही है, ठीक है। तो हमारे पास जो ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें ये दो साइड्स इक्वल है, ये एक आइसोसेलेस हो गया, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो क्या कहते हैं इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स, तो ये हो गई इक्वल साइड्स, ए बी इज इक्वल टू, यहां ए बी किसके बराबर है ए सी के बराबर है, तो इनके अपोजिट जो एंगल्स हैं, तो ए बी का अपोजिट एंगल सी, तो इसका अपोजिट एंगल सी जो है वो किसके बराबर होगा इस इक्वल साइड के अपोजिट एंगल यानी एंगल बी के बराबर होगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि जबकि दो साइड्स इक्वल होती हैं तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, और इसमें कहा गया है वाइस वर्सा, ठीक है। तो फिर ये आ जाएगा कि इसको उल्टा कर दिया जाए तो भी सही है, यानी कि अगर ये कहा जाए कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल तो भी ये सही है, कि अगर एंगल्स इक्वल दे रखे हैं, यानी अगर हमें ये दिया है कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है
दो एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है, तो इनकी जो अपोजिट साइड से वो भी इक्वल होंगी, तो हम लिखेंगे कि इन दो, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, इसीलिए इनकी अपोजिट जो जो साइड्स हैं ए बी और ए सी, वो भी क्या होगी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। सो इफ, ओके, इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी ए, तो इनके अपोजिट साइड ए बी ए सी के बराबर होगी, और इफ यदि ए बी ए सी के बराबर यानी साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स भी, सो एंगल सी वुड बी इक्वल टू एंगल बी। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसकी। ओके, सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, द साइड अपोजिट टू ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑल्सो ग्रेटेस्ट एंड वाइस वर्सा, मीन्स द एंगल अपोजिट टू ग्रेटेस्ट साइड इज ग्रेटेस्ट। तो यहाँ से इसका जस्ट उल्टा ही कहा गया है, हम इसे समझ लें तो ये अपने आप समझ आ जाएगा। क्या कहता है, द साइड अपोजिट टू ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑल्सो ग्रेटेस्ट। तो अगर किसी ट्राइंगल में जो ग्रेटेस्ट एंगल है, जैसे यहां इस ट्राइंगल को देखें तो ये ग्रेटेस्ट एंगल है, ये ग्रेटेस्ट एंगल है, ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है उसके जो अपोजिट साइड होगी, यानी इस एंगल के अपोजिट साइड ये है, ये भी क्या होगी, ग्रेटेस्ट साइड होगी, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, तो इसका उल्टा भी सही है। अब हम बात कर रहे हैं कि हमें कहा है, इफ इफ एंगल जो है, एंगल पी, ग्रेटेस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट एंगल पी जो है, ग्रेटेस्ट एंगल आपको एंगल पी दिया है, तो इसके अपोजिट जो साइड है कौन सी है, क्यू आर, वो भी क्या है, ग्रेटेस्ट है। ये तो ये है कि इफ ग्रेटेस्ट एंगल पी हो, अब इसका उल्टा करें कि इफ ग्रेटेस्ट क्या हो, ग्रेटेस्ट साइड हमारी क्यू आर दे रखी हो, तो इसके अपोजिट जो एंगल होगा, ठीक है, अपोजिट एंगल, तो वो भी ग्रेटेस्ट होगा, यानी ग्रेटेस्ट कौन सा होगा फिर, एंगल पी। तो ये वाइस वर्सा का यही मीनिंग है कि यदि ग्रेटेस्ट एंगल पी जो है तो उसके सामने जो साइड है क्यू आर वो ग्रेटेस्ट ही होगी। तो इसका उल्टा भी देख लें कि अगर हमारे पास क्यू आर साइड ग्रेटेस्ट है तो उसका अपोजिट एंगल जो है, एंगल पी, वो भी ग्रेटेस्ट ही होगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट आप आसानी से समझ जाएंगे, जस्ट इसका अपोजिट है स्मॉलेस्ट के लिए। तो अब सेवेंथ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, यह है द एंगल अपोजिट टू स्मॉलेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑल्सो स्मॉलेस्ट एंड वाइस वर्सा। तो बिल्कुल ऊपर की तरह है, जस्ट स्मॉलेस्ट के लिए कही गई। तो क्या कहते हैं, द एंगल अपोजिट टू स्मॉलेस्ट साइड, तो जो साइड है स्मॉलेस्ट, तो यहां पर क्या है, ये साइड स्मॉलेस्ट है, ठीक है, स्मॉलेस्ट साइड, तो इसके जो सामने एंगल बनेगा ये एंगल, ये भी क्या होगा, स्मॉलेस्ट ही होगा, ठीक है। तो और वाइस वर्सा, तो अब हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि हमें कहा गया कि स्मॉलेस्ट साइड है किसी ट्राइंगल में तो उसका अपोजिट एंगल भी स्मॉलेस्ट ही होगा। तो अब हम इसे उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर कोई ट्राइंगल का स्मॉलेस्ट एंगल है, ठीक है, तो उसका जो, उसकी जो अपोजिट साइड है वो भी क्या होगी, स्मॉलेस्ट ही होगी, ठीक है। तो हम लिखें इफ एंगल सी जो है वो स्मॉलेस्ट है, तो अगर एंगल सी स्मॉलेस्ट है तो अपोजिट साइड, तो ए बी जो होगी वो स्मॉलेस्ट होगी, ठीक है, और यहाँ, ठीक है, और यदि हम इसका वाइस वर्सा देखें, इफ ए बी साइड स्मॉलेस्ट है तो इसके अपोजिट जो एंगल है यानी एंगल सी वो भी स्मॉलेस्ट ही होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब एट्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, तो एट्थ प्रॉपर्टी है द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि किसी ट्राइंगल के दो साइड्स को सम कर दिया जाए तो तीसरी साइड से उसका जो सम आया है वो हमेशा बड़ा ही आएगा, ठीक है। तो सपोज ये हमारा एक ट्राइंगल है, ये मान लो ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है, ठीक है, ये साइड हमें दे रखी है। तो यदि हम दो साइड्स का सम करें तो तीसरी से हमेशा बड़ा आएगा, ठीक है।
तो अगर हम ऐसे देखें कि एस वन प्लस एस टू करें दो साइड्स को सम, तो ये हमेशा ग्रेटर आएगा तीसरी साइड एस थ्री के। ठीक है, इसे ऐसे देखें कि अगर हमने इन दो साइड्स को प्लस कर दिया, जैसे एक है वाई जेड प्लस और एक हमने इसे कर दिया जेड एक्स, जेड एक्स, तो ये ग्रेटर आएगा किससे, एक्स वाई से, एक्स वाई से ऐसे। तो हमने क्या किया, एक तो फाइव है और एक क्या है फोर है, तो अगर हम इन दोनों का सम करें तो ये थर्ड साइड कौन सी बची है, एक्स वाई, यानी इस थ्री से तो बड़ा ही आएगा क्योंकि ये दोनों मिलकर के नाइन आ जाएंगे। इसी तरह से आप इन दोनों को भी देख लीजिए, अगर फोर और थ्री को प्लस कर दें, फोर प्लस थ्री, तो ये ग्रेटर हो जाएंगे थर्ड साइड यानी इस फाइव के, फोर और थ्री ये सेवन हो गया, तीसरी साइड से बड़ा हो गया। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप इन दोनों को कर दें थ्री और फाइव को, तो ये तीसरी साइड कौन सी बनेगी, फोर वाली, तो इन दोनों का सम इससे बड़ा आएगा। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी, एट्थ प्रॉपर्टी कवर हो गई। ठीक है, तो नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द थर्ड साइड। तो ये जस्ट अभी हमने पढ़ा था उसी को ही डिफरेंस में बताया गया कि यदि हम किसी ट्राइंगल्स की दो साइड्स का डिफरेंस निकालें तो वो तीसरी साइड से हमेशा छोटा ही आएगा। मतलब यदि हम एस वन माइनस एस टू करें, दो साइड्स का डिफरेंस निकालें, तो इट वुड बी लेस देन द थर्ड साइड एस थ्री। ठीक है, तो अगर हम इसको भी देखें फाइव फोर और थ्री से, तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो फाइव माइनस फोर, तो इट वुड बी लेस देन द थर्ड साइड थ्री से क्या आता है, छोटा ही आता है। ठीक है, किसी को भी करेंगे तो हम ऐसा ही पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इसी तरह से इस फोर माइनस थ्री इसमें से इसे माइनस कर दें तो ये हमेशा छोटा हो जाएगा तीसरी साइड यानी फाइव से। तो आप किसी भी साइड के लिए इसे कर सकते हैं। ठीक है, ओके, जो टेंथ है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड विच इज नोन एज हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, जो कि बेस और परपेंडिकुलर कहलाते हैं। तो ये कहता है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में जो ग्रेटेस्ट साइड होती है उसका स्क्वायर हमेशा जो बची हुई दो साइड्स हैं, यानी एक बेस कहलाता है एक परपेंडिकुलर कहलाता है, उन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, इसे फिगर से समझें, तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसके जस्ट सामने वाली साइड यानी 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेनस, और यही क्या होती है, ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो ये हो गई ग्रेटेस्ट साइड, तो कहते हैं ग्रेटेस्ट साइड यानी पी आर, ये हो गई ग्रेटेस्ट साइड, ग्रेटेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बाकी दो बची हुई साइड यानी क्यू आर। ठीक है, यानी सम ऑफ अदर टू, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, ठीक है, उनका जो स्क्वायर्स है उन्हें निकाल करके उनका सम किया जाए तो जो आता है वो हमेशा ग्रेटेस्ट साइड के स्क्वायर के बराबर आता है। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, तो ग्रेटेस्ट साइड क्या है, पी आर, और अदर टू साइड्स कौन सी है, क्यू आर और पी क्यू। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ग्रेटेस्ट साइड यानी पी आर का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा क्यू आर के स्क्वायर और प्लस पी क्यू के स्क्वायर के बराबर। ओके, यही पाइथागोरस थ्योरम है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका पेरीमीटर और एरिया। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल की। द सम ऑफ लेंथ ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज नोन एज इट्स पेरीमीटर। तो किसी ट्राइंगल में, सपोज ये हमारा एक ट्राइंगल है, ठीक है, पी क्यू और आर, तो इस ट्राइंगल में जो तीनों साइड से उनका जो सम है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, ये क्या कहलाता है, उसका
पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये उसका क्या है, पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है, सपोज ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है, तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा, तीनों का सम यानी 5 + 4 + 3, तीनों का सम कर दें तो कितना आता है, 5 × 4 = 9, 9 और 3 = 12, तो ये इसका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है एरिया की, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, द टोटल रीजन दैट इज एनक्लोज्ड बाय द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज नोन एज इट्स एरिया। तो किसी ट्राइंगल में, ये हमारा एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है, लेट पी क्यू और आर, तो ये जो तीन साइड्स हैं इनसे एनक्लोज्ड एरिया, ये रीजन, ठीक है, ये साइड और ये साइड, इन तीनों ने इतना एरिया, ये इतना रीजन घेर रखा है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। ठीक है, और एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज व्हाट, 1/2 × बेस × हाइट। अब बेस और हाइट क्या है, अगर हम ये बेस ले लें तो इससे एक परपेंडिकुलर जो ड्रॉप करेंगे हम, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री, इसे कहते हैं एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड या इसे ही हम हाइट भी कहते हैं। ठीक है, तो जो बेस है और जो एल्टीट्यूड है उन दोनों के प्रोडक्ट का हाफ क्या कहलाता है, उसका एरिया कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम इसे देखें तो सपोज हमारा एल्टीट्यूड है 4 और हमारा बेस जो है वो है 5, तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 × बेस, तो बेस क्या आ जाएगा 5 और हाइट, हाइट क्या आ जाएगी, हाइट यानी एल्टीट्यूड 4, तो आप इसे अगर कैंसिल करें तो 2 × 5 = 10 यूनिट स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, ये तब है जबकि हमारे पास क्या है, बेस और हाइट दी हो। अगर किसी ट्राइंगल में आपको तीन साइड्स गिवन है, ठीक है, सपोज ये हमारा एक ट्राइंगल है, ठीक है, लेट ए बी और सी, और इसमें तीन साइड्स आपको गिवन, ठीक है, सपोज ये है 5, ये है 4 और ये है 3, जबकि 3 साइड्स गिवन हो, तब जो एरिया निकलता है वो हिरॉन्स फॉर्मूले से निकलता है, और इसके लिए हम पहले निकालते हैं एस की वैल्यू, एस, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, इन तीनों जो साइड्स है इसका सम पेरीमीटर कहलाता है, और उसका आधा यानी हाफ कर दो तो वो क्या कहलाता है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो एस का जो हाफ है वो सेमी पेरीमीटर, ओके, ये पेरीमीटर का जो हाफ है वो सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स का सम यानी S1 + S2 + S3 और उसका हाफ। ठीक है, यानी ये तो हो गया पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ कर दिया तो सेमी पेरीमीटर। जब आपका सेमी पेरीमीटर आ जाए तब आप क्या लगाते हो, हिरॉन्स फॉर्मूला। ठीक है, और ये बताता है एरिया को, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है तब रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यदि आप एस निकाल लें इससे, ठीक है, और फिर ए बी और सी, ए बी सी क्या है, यहाँ ए बी और सी एस वन एस टू और एस थ्री है, यानी तीनों जो साइड से उसको या तो आप ए बी सी से रिप्रेजेंट कर दीजिए या एस से एस वन एस टू एस थ्री से रिप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एस माइनस एस वन एस माइनस एस टू और एस माइनस एस थ्री। ठीक है, तो ये जो इसमें रखने पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वही ट्राइंगल का एरिया होगा। ठीक है, तो एरिया हम दो तरीके से निकालते हैं, यदि आपको बेस और हाइट दे रखी है
तो आप इससे निकालेंगे, और यदि आपको तीनों साइड्स दे रखी है तो हीरोंस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा ट्राइंगल्स के बारे में, उसके काइंड्स के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। होपफुली आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।